पिंपरी चिंचवड शहर में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिंपरी चिंचवड शहर में एक अच्छी जगह पर दीवार पर कमल की लोगो वाली तस्वीर बनाई है। इस कमल के लोगो के नीचे एक बार फिर भाजपा सरकार लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि चुनाव आचार संहिता के दौरान ये लोगो और इसके नारे जनता की नजरों से ओझल ना हो। ये सरेआम चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का यानी आचार संहिता का उल्लंघन है। ये शहर के संतोष नगर 16 नंबर बस स्टॉप के परिसर में है। हालांकि पिंपरी चिंचवड शहर के वाकड़ इलाके में अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोगो और नारे इसी तरह से खुले छोड़े गए हैं कि नागरिक उन्हें आसानी से देख सके और पढ़ सके। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। हालांकि पिंपरी चिंचवड शहर में बीजेपी द्वारा इस आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। संभाजी ब्रिगेड के सतीश काले ने जिले के मुख्य चुनाव अधिकारी से पिंपरी चिंचवड शहर में भाजपा के दीवार पर लिखे लोगो और नारे पर कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, पिंपरी चिंचवड़।